हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्जाम 2018 इंग्लिश की ऑफिशियल आंसर की आरपीएससी ने जारी कर दी है और इस आंसर की के साथ ही वो विद्यार्थी थोड़े से सदमे में आ चुके हैं जो सिलेक्शन को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थे और उनके 10 से 12 के आसपास जो मार्क्स हैं वो कम हो रहे हैं। इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि आरपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन को गलत करार दिया है जो पूरी तरीके से ऑथेंटिक थे और उनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मान के चलिए कि जो आंसर की अब जारी की गई है उस आधार पर आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं लगभग 10 से 12 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखिएगा क्योंकि अब हमें ऑब्जेक्शन लगाना है विद प्रूफ। तो इसके लिए किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है ये है 71 नंबर क्वेश्चन। आप स्क्रीन पे साथ साथ देखते जाइए। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना था इसका और आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। हो सकता है उनके जहन में ये चल रहा हो कि प्रोग्राम की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर गलत हो, जबकि पी आर ओ जी आर ए एम बी वैलिड है और पी आर ओ जी आर ए एम एम ई बी वैलिड है। पी आर ओ जी आर ए एम ये जो प्रोग्राम है ये कंप्यूटर रिलेटेड यूज किया जाता है। कंप्यूटर के सेंस में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको हम इस स्पेलिंग के रूप में ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों इंग्लिश में यूज करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी फंक्शंस वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए पी आर ओ जी आर ए एम एम ई लिखा जाता है और दोनों का ही जो प्रोनंसिएशन है वो प्रोग्राम ही होता है। तो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है जबकि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सोर्स के रूप में आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पेज नंबर 944 जिसमें प्रोग्राम की एंट्री दी हुई है वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जिनका सही था उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन उनका सही होगा। इसके बाद नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो है 92 नंबर क्वेश्चन जिसमें लर्निंग प्रोसेस के स्टेप जो थे वो बताने थे और आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 3 को इसमें सही माना है जबकि इसका आंसर नंबर 2 ही सही होगा। इसके लिए मैं आपको जो सोर्स बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। पहला जो सोर्स है वो है एस के मंगल की बुक एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद दूसरी इन्हीं की हिंदी वर्जन है एस के मंगल की ही शिक्षा तकनीकी जिसका पेज नंबर 18 से 19 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसके अंतर्गत इसका आंसर एग्जैक्ट दिया हुआ है। इसके बाद एक बुक और है सीपी सिंह की इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिसमें पेज नंबर 27 पे इसका आंसर दिया हुआ है। इसके अलावा एक हिंदी की बुक और है भावी शिक्षकों के लिए आधारभूत कार्यक्रम, ये है जगदीश नारायण पुरोहित और इसके साथ एक दो राइटर और भी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये जारी है। तो ये आप प्रूफ के रूप में 92 नंबर क्वेश्चन का लगा सकते हैं, इसका आंसर जो है वो नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है वो है 101 नंबर क्वेश्चन। आरपीएससी ने इसका सही आंसर 3 माना है ऑप्शन नंबर, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखिएगा जो ये कॉलर की जो थियरी है वो समग्र सिद्धांत है, होल सिचुएशन को ही शो करती है। इसके सोर्स के रूप में आप कई बुक्स लगा सकते हैं। एस के मंगल की एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी पेज नंबर 44 लगा सकते हैं। इसमें है एजुकेशनल साइकोलॉजी बाई आर पी पाठक, ये है पेज नंबर 64। इसके अलावा एक बुक और है जेसी अग्रवाल की एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पेज नंबर 268 आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और आप लगा सकते हैं डॉक्टर इस्माइल की साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसका पेज नंबर 102। ये जो सारे आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आप सारे सोर्स के रूप में लगा सकते हैं। एक बुक और है कक्षा 11 में जो लगती है साइकोलॉजी की जिसमें चैप्टर जो 5वां है उसके अंदर भी इसका सोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक अगला क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन जिसमें कम्युनिकेशन को एक सीक्वेंस में आपको शो करना था। आरपीएससी ने इसका ऑप्शन 1 सही माना है जबकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसके सोर्स के रूप में आप लगा सकते हो डॉक्टर लकी आहूजा मैम की बुक जिसका पेज नंबर 202 इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा शिक्षा तकनीकी बाई एस के मंगल, इसके पेज नंबर 321 से 322 में भी आपको इसका सोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा एक बुक और है ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिटी पेज नंबर 5 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा एक और सोर्स लगा दीजिएगा एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बाय अरुण कुमार सिंह पेज नंबर 659 659 पे आपको इसका सोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है वो है इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड 128 नंबर क्वेश्चन और आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है जबकि ये डिलीट होने के लायक बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर सही करना होगा आंसर नंबर 2। ध्यान रखिएगा पास्ट सब्जंक्टिव जो हम एक कंडीशनल सेंटेंस की जो सेकंड कंडीशन करते हैं जिसको इम्प्रोबेबल कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं, उसमें जो पास्ट सब्जंक्टिव यूज किया जाता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी चेंज नहीं किया जाता, वो वैसा का वैसा रहता है। हो सकता है आरपीएससी ने ये सोचा है कि इसमें दैट नहीं दिया है, तो दैट का कोई इसमें इश्यू नहीं है। ध्यान रखिएगा दैट को हम ओमिट कर सकते हैं,
इसमें जो ऑप्शन नंबर दो है इफ जो है उससे पहले दैट कंजक्शन जो है वो अंडरस्टूड है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दो जो है वो सही होगा, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं, आपको दोबारा से इसको सही करना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जिन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। एक हिदायत ध्यान में रखिएगा मेरी कि लगभग 4 या 5 दोस्त आप लोग मिलकर ही ऑब्जेक्शन लगाएं। इसमें फायदा ये रहेगा कि आप एक ही बुक का मेंशन नहीं दोगे। मान लो आप 5 लोग हैं और आपको एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, तो आप अलग अलग बुक के रेफरेंस से ही ऑब्जेक्शन लगाइएगा, ताकि जो आपका क्वेश्चन है वो एक तरीके से पूरा ऑथेंटिक मान लिया जाएगा और उसको सही तो आरपीएससी को करना ही होगा, आपको टेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। इस वॉल्यूम में ही आपके एक क्वेश्चन का और आंसर दे देता हूँ, इससे पहले कि आप कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन पुट अप करें कि सर कट ऑफ कितनी रह सकती है। हालांकि इसका आंसर मैंने 22 जनवरी 2020 को ही दे दिया था फेसबुक पे, जिसमें मैंने इसकी एक्सपेक्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 328 बताई थी। ये जो आपको शो हो रही है ये पोस्ट है 22 जनवरी 2020 की। हालांकि इस पोस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, सिर्फ ओबीसी कैटेगरी की जो मेरिट है जो मैंने 322 एक्सपेक्ट की थी वो इस बार 6 मार्क्स और कम हो जाएगी। तो कट ऑफ इस बार रहने के पूरे चांसेज है जनरल मेल एंड फीमेल 328। इसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस की मेरिट रह सकती है 317 के आसपास। ओबीसी मेल एंड फीमेल की रहेगी इस बार 316 के आसपास। एससी मेल कैटेगरी रहेगी 284, फीमेल रहेगी 278, और एसटी मेल की रहेगी 267 और एसटी फीमेल की रहेगी 251।